Yeah.
ज्ञानितमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद जी एक व्यक्ति को पास में दूसरे को पास से तीसरे को पास में जाते हैं और सबको परीक्षा करते हैं भगवान के सबसे प्रिय भक्त कौन हैं। कल क्या मैंने कहा था कि इसको थोड़ी बहुत याद है, कोई बोल सकते थोड़ी बहुत? मैंने कल क्या बताया था, किसको याद है, कौन सुनाएगा? हाँ, इसको थोड़ी थोड़ी याद रख लेना क्योंकि ये
सारे वेद वेदांत उपनिषद का ये सारे अगर उसको थोड़ी थोड़ी याद रख लेंगे तो बस पूरी कथा ही याद हो जाएगी। ठीक है ना, सबके सब थोड़ी थोड़ी याद रखना। इसलिए नारद जी सर्वप्रथम प्रयाग गए थे। अब प्रयाग में कैसे देखा है कि ब्राह्मण कैसे अपना हाथों से कैसे रसोई बनाई और ठाकुर जी का सब कुछ भोग लगाया और ठाकुर जी के सामने नृत्य कीर्तन किया और उसको बाद में जितने साधु ब्राह्मणों को अपना हाथों से भोजन करवाया, उसको बाद में जितने दुखी दरिद्र थे उनको भी भोजन कराया, यहाँ तक भी जो पशु पक्षी कुत्ते थे सबको उन्होंने भोजन करवाया, सबको उन्होंने खुश करवाया। उसको बाद में जो बच गया उसको उन्होंने भजन किया और उसको बाद में क्या किया, जो कुछ उन्होंने किया था ठाकुर के पास में गए, बोले ठाकुर जी मैंने जो कुछ किया मैं तुम्हें सब कुछ अर्पण करता हूँ ठाकुर जी को। हैं, जब करके जा रहा था इतने में कौन आ गया, कौन आए उतने में, अरे तुम कुछ कुछ याद रखना, इसलिए कौन आए, श्री नारद जी आए। अरे नारद जी आकर क्या बोले, बोले अपना अपना आँखों से हमने देखा है सचमुच से आप भगवान के सबसे प्यारे भक्त आप हो, हैं आप ही प्यारे भक्त, मैंने अपना आँखों से देखा है कैसे आपने खुद बनाया, भगवान की भोग लगाया, खूब ठाकुर के सामने नृत्य कीर्तन किया, अपना हाथों से खिलाया, जो बच गया उसको खाए, फिर जो कुछ किया सब कुछ ठाकुर को अर्पण कर दिया, इसलिए आप जगत में सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने फिर क्या बताए, नारद जी क्या बताए, कहाँ, हाँ क्या बताए, फिर उन्होंने क्या बोले, फिर क्या देखा, इसलिए इन्होंने बोले जाओ अगर भक्त देखना तो कहाँ चले जाओ, दक्षिण भारत में जाओ, वहाँ पर देखोगे वो राजा रानी हैं लेकिन होते हुए भी कोई अभिमान नहीं है, कैसे अपना हाथों से वहाँ पर भगवान जो नारायण हैं लक्ष्मी नारायण की अपना हाथों से परिवार समेत ठाकुर को कैसे सेवा पूजा करते हैं और उनको देश में स्थान स्थान पर अन्न छत्र खुला हुआ है, जो व्यक्ति दर्शन करने के लिए आएंगे उनके लिए सबके लिए प्रसाद फ्री है, रुकने के लिए भी फ्री है और स्थान स्थान पर वहाँ पर सत्संग हरिकथा, संत लोग तो यही चाहते ना, अगर कहीं प्रसाद मिल जाए, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, बस और किस चीज़ की जरूरत है, आपको स्थान स्थान पर आपको ये सब चीज़ मिलेगी और लोग सबको देखोगे गला में कंठी तिलक और हाथ में माला, सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको देखोगे भजन करते हुए, सबको देखोगे और क्या देखोगे, वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं लगाते, जैसे हम लोग खेती करते हैं ना, कोई खेती नहीं करते, क्या होता है अपने आप इतने उपजाऊ होता है, अपने आप इतने खाने के लिए लोग है ही नहीं, कारण है कि आप बोले पृथ्वी प्रसन्न होकर के जब सबके सब भगवान की भजन करे, पृथ्वी प्रसन्न होकर के अपने आप सब कुछ देते हैं और क्या देखोगे, वहाँ पर कोई दुख कष्ट दारिद्र कुछ है ही नहीं, वहाँ पर हैं, वहाँ पर कोई दुख कष्ट दारिद्र अभाव अनटन मार पीट दंगा पंगा वहाँ कुछ नहीं देखोगे, हैं, क्योंकि भगवान जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं कि तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र उनका हर समय रक्षा करता है, जैसे श्री अम्बरीश महाराज भजन करते थे इसलिए ठाकुर जी सुदर्शन चक्र को भेज दिया था, बोले सुदर्शन चक्र ये अम्बरीश महाराज सारा दिन मेरे भजन पूजा पाठ में लगा हुआ है और अपना राज्य को भी रखवाली के लिए कोई कोशिश नहीं करता, क्यों, वो भजन करता है, अब इस राज्य को कौन देखेगा, मेरे को तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि भजन मेरा करता है, इसलिए भगवान खुद कहते हैं जो सब कुछ मेरे ऊपर में समर्पित कर देता है उसका पीछे का काम मेरे को करना पड़ता, क्यों, वो 24 घंटा मेरा भजन पूजा पाठ वो मेरा ही करता है, इतने भगवान की भक्ति करने की इतने महत्व हैं। उनको देश में देखोगे
कैसे सबके सब भजन करते हुए प्रसन्न सबके सब आनंद में कीर्तन करते हुए देखोगे। सचमुच से नारद जब वहाँ पर पहुँचा ना, उनने जितना सुना था उससे ज़्यादा देखने को मिला। सब लोग कैसे प्रसन्न खुश है, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सबके सब कैसे आनंद में हैं रहते हैं। इसको देख करके श्री नारद जी बोले, महाराज जी आपका जैसे जगत में भगवान की कोई भक्त है ही नहीं, आप भगवान के सबसे प्रिय पात्र, आप भी भगवान के सबके बड़े प्रिय पात्र, लेकिन भक्ति का क्या लक्षण है? जिसको अंदर में जितने भक्ति की भावना आ जाए, जिसको अंदर में जितने भक्ति आ जाए, वो क्या होता है? अपने आप वो उतना झोंक जाता है, हैं? उतना वो झोंक जाता है। इतने में उन्होंने कहा, हमें कह रहे हैं भक्त, अरे हम लोग इंसान हैं, इस मरते जगत में जन्म ग्रहण किया। मरते जगत में मतलब क्या? सबके सब मरने वाले हैं, हैं? और जगत में जन्म लेने पर जन्म लगा वो भी कष्ट है, जन्म मृत्यु अभी कष्ट है, हैं? धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा ये भी कष्ट है, जरा धीरे 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 व्याधि, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये जितने सबके सब दुख कष्ट इस जगत में, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत उदास, इसलिए इसी संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी है, हैं? क्योंकि हम मरते जगत, इसका नाम ही मरते जगत, प्रपंच, प्रपंच मतलब माया, मरते जगत में जो सबके सब एक दिन सबको मरना पड़ता है, इसलिए अब हमको सुखी कैसे कह रहे हो, हैं? इसलिए हम सुखी नहीं। बोले कौन सुखी? बोले स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में जाओ, वहाँ पर देखोगे उनका नाम है देवता, हर समय जो दिव्यमान निर्जरा, जो कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होते हैं, और इंसान लोग उनकी पूजा करते हैं, हैं? इंसान लोगों को पूजा करते हैं, वहाँ पर कोई भीत कोई डर भाई वहाँ पर नहीं। और इसी जगत में जैसे आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, आध्यात्मिक मतलब जो मानसिक कष्ट है, आदि दैविक मतलब देवताओं के द्वारा जैसे अनावृष्टि ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं भूचाल आ गया, कहीं महामारी आ गई, जैसे अभी कोरोना आ गया है, वहाँ वहाँ पर कोरोना फरोना वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कोई कोई दुख कष्ट वहाँ पर कुछ है नहीं। और जैसे यहाँ पर हमारा परमायु फिक्स ही है, हमारा परमायु फिक्स ही है, हमारे अल्पायु, लेकिन उनका ऐसे नहीं, बात बड़े दिन तक जिंदा रहते हैं। और जैसे यहाँ पर किसको घर में पैसा की कमी होगा है, लेकिन वहाँ पर तो पैसा पैसा की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसलिए वो लोग बड़े तेजमय हैं, निष्पाप है, सत्व गुण से युक्त है, कोई दुख कष्ट नहीं, हर समय प्रसन्न, हर समय प्रसन्न आत्मा, स्वच्छंद गति, मतलब जहाँ चाहते हैं वहीं चले जाते हैं वो लोग। इसलिए और हम लोग देवताओं को पूजा करते हैं ना, बोले ठाकुर जी हमें ये इच्छा पूरी कर दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, पैसा दे दो, ठाकुर को हम पूजा करते हैं, हमारी इच्छा कौन पूजा पूरी करते हैं? देवता लोग हमारी सारे इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। और वो लोग पीते हैं क्या? बोले अमृत पान करते हैं, हैं? और वो लोग मरते नहीं, उनको शरीर में कोई रोग नहीं, उनकी कोई भूख, उनको कोई भूख नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर सबके सब संतुष्ट है। कहते स्वर्ग में कौन जाते हैं? जब इसी मरते जगत में बहुत कोई पुण्य कर्म करते हैं तभी वो व्यक्ति स्वर्ग में गमन करते हैं और वहाँ पर दीर्घकाल तक निवास करते हैं, हैं? दीर्घकाल तक निवास करते हैं। और देवताओं को अंदर में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले महाराज श्री इंद्र है। और जो इंद्र है ये किसको ऊपर में कृपा भी कर सकते हैं, किसको ये दंड भी किसको दे सकते हैं, इसलिए। और इंद्र ये क्या करते हैं? बारिश बरसाता है। अगर इंद्र बारिश नहीं बरसाएगा तो सबके सब क्या होगा? सबके सब अनावृष्टि हो जाएंगे, सबके सब अकाल पड़ जाएगा। इसलिए कहते इंद्र कौन बनेगा, पता है इंद्र कौन बनता है? बोलो। जब 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेता है, हाँ, तो उसको इंद्र
सब याद रख लो। इसलिए जब कोई व्यक्ति एक अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा कठिन है। भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ना, वो घोड़े को पकड़ लिया लव कुश ने, कहते ऐसे जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा हैं, जा करके फिर स्वर्ग का इंद्र कोई व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए इंद्र कितना दिन तक इंद्र रहेगा, कहते 100 साल। 100 साल कितना इंद्र का, कहते हमारे यहाँ पर जब 1 साल होता है स्वर्ग में 1 दिन, हमारी जब यहाँ पर 1 साल हो जाता है स्वर्ग में और 1 दिन स्वर्ग में होता है, और ऐसे ही इंद्र का परमा कितना दिन, ऐसे 100 साल तक इंद्र वहाँ पर निवास करता है। भले वहाँ पर क्या क्या वस्तु उपलब्ध है, हैं क्या क्या वस्तु, कहते वहाँ पर उच्च सर्वास्व हैं, और वहाँ पर ऐरावत हस्ती, और वहाँ पर जो गैया है वो कामधेनु गैया, हमारी इधर का जैसे गैया ऐसे नहीं, वो कामधेनु गैया। कामधेनु गैया मतलब क्या है, कहते इसी जगत में कहते केवल एक कामधेनु गैया किसको पास में था, जमदग्नि कहते एक किसको पास में, गौतम के पास, गौतम के पास में एक था, और एक था हाँ परशुराम का पिताजी जमदग्नि, हाँ इनको पास में केवल ये एक गैया थी। और ये गैया को लेकर कितने लड़ाई हुआ आपको पता है, कभी इनको कार्तवीर्य अर्जुन कभी आया हैं, अर्जुन जब कभी इसको पास में आए, इतने में उन्होंने बोले कोई चिंता नहीं आप मेरे पास में रुकने का सब व्यवस्था है। कहते वशिष्ठ के पास में भी एक कामधेनु गैया थी हैं, इनको पास में कभी श्री विश्वामित्र भी इनको घर में आए थे, और उन्होंने सैन्य सामंत को लेकर के आए, पूरा सैन्य सामंत को, और विश्वामित्र जी बोले हैं, विश्वामित्र जी को वशिष्ठ बोले आप रात में यहीं पर रुक जाओ। बोले आप क्या रुकोगे, हमारे साथ में कितना सैन्य सामंत देख रहे हो, कितने हाथी घोड़े हैं, ये कोई साधारण बात, हमको रुकना है, हमारे लिए घर मकान खाने का सब। बोले कोई चिंता की बात नहीं, आप इच्छा प्रकाश करो। बोले आप क्या करोगे, उन्होंने क्या कामधेनु गैया को आदेश दिया, ऐसे मकान उन्होंने बनाए जिसको देख करके सन्नी के लिए अलग, राजा के लिए अलग, हाथी घोड़ा के लिए अलग अलग, और खाने के लिए ना हाथी काजू पिस्ता बादाम हैं इनके लिए खाने की व्यवस्था, और उन्होंने जो 56 भोग 36 व्यंजन उनने जो खाना खिलाया ना, विश्वामित्र तो देख देख कर बोले बाबारी मैंने कभी ऐसे राजमहल ही नहीं देखा, कभी ऐसे खाना ही नहीं देखा, क्या 56 भोग 36 व्यंजन। इसलिए फिर वो गैया को लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा, गैया को लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है कामधेनु गैया। कहते स्वर्ग में एक कामधेनु नहीं, वहाँ पर जितने गैया है ना सबके सब वहाँ पर कामधेनु सबके सब का भी, और वहाँ पर जो बगीचा है उसका नाम नंदन कानन है, उसका नाम नंदन कानन है, और नंदन कानन में जो जो फूल है वो पारिजात वृक्ष है, पारिजात वृक्ष जो फूल कभी मुरझाता नहीं, ऐसे पारिजात वृक्ष, और वो काम रूप है, जो मांगोगे ना वो सारी इच्छाओं को वो पूरी करता है, वो कल्पलता। कहते वहाँ पर और क्या बताएंगे, कहते वहाँ पर एक पुष्प, कहते ज़्यादा हम क्या बताएंगे, कहते वो नंदन कानन जो पारिजात वृक्ष है कल्प वृक्ष का एक जो फूल है, कहते आप जो कुछ इच्छा करोगे एक फूल आपका सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है। जो कुछ खाने के लिए मांगोगे, खाद्य कहते 4 तरह का खाद्य है, क्या क्या है, इसलिए हम रोज रोज सवेरे गाते हैं ना चर्ब चुष्य लज्ज पेय रसमय, हम सवेरे रोज भजन गाते हैं, चर्ब बोले जिसको चिबा करके खाओगे, जिसको चाट करके खाओगे, जिसको चूस करके खाओगे, जिसको पान करोगे पी पियोगे, इसलिए 4 तरह का भोजन है हैं, और मीठा है खट्टा है नमकीन है, इसलिए कहते जितने तरह का आप भोजन चाहोगे, कहते एक फूल से ही सब कुछ वहाँ प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया अगर नाचना देखना चाहते हो बढ़िया सुंदर नृत्य, कहते वहाँ पर जैसे कपड़ा पहनना चाहते हो, आपको मॉल में जाना नहीं पड़ेगा खरीदी करने के लिए,
वो फूल ही आपको कहते वहाँ पर दे देगा। आप कोई भी अलंकार चाहते हो, हैं किसी तरह का अलंकार पहनने के लिए, कहते वहाँ पर सारे अलंकार, कहते एक फूल ही वहाँ पर प्राप्त करा देगा। इसलिए कहते सारे काम को वो कर सकते हो। एक विचित्र फूल ऐसे हैं, ऐसे किए कहते, और क्या बताएंगे। वहाँ पर साक्षात वामन देव, स्वर्ग में वामन देव। वामन देव कौन है? कहते इंद्र के जो छोटा भाई रूप में भगवान श्री वामन देव रहते हैं। स्वर्ग का अथा ईश्वर जी, हम तो इंसान हैं, हमारी अंदर में क्या है? कुछ नहीं। हाँ, अगर आप भक्त देखना चाहते हो, जाओ कहाँ पर? चले जाओ स्वर्ग, चले जाओ। जब नारद जी, बस नारद हैं, वीणा उठा करके बस कीर्तन करते करते कहाँ पहुँचे? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण राधा रानी के जय महारानी के जय राधा रानी के जय महारानी के राधा रानी के जय महारानी के जय बोला बरसानी बारी के जय 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 बोलो बरसानी बारी जय राधा रानी के जय महारानी के जय राधा रानी के गिरिधारी की जय बनवारी की जय गिरि भोला कुंज बिहारी के जय 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 भोला कुंज बिहारी राधा रानी के जय महारानी के जय राधा रानी के हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि नितई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। नारद जी कहाँ पहुँच गए? स्वर्ग। स्वर्ग पहुँच गए हैं। हमारे पास में भी ऐसे एक विमान होनी चाहिए, जहाँ चाहो ना वहीं पर पहुँच जाओ। हमारे देखो ऐसे हमारे पास में विमान हो सकती है, जब नारद जैसे अगर भक्ति करेंगे ना, बस जहाँ चाहोगे वहीं पर पहुँच जाओगे। इसलिए नारद जी सीधा पहुँच गए स्वर्ग में। जो स्वर्ग में पहुँचे वहाँ पर सुधर्मा सभा, कौन सा सभा है? सुधर्मा सभा की क्या विशेषत्व है? अगर वहाँ 100 लोग होएंगे ना, सब बैठ जाएंगे। अगर एक जो कुर्सी वो कभी भरेगा नहीं, एक कुर्सी हर समय खाली रहेगा। अगर 200 लोग आएंगे सब बैठ जाएंगे, लेकिन जो एक कुर्सी वो कभी पूरा नहीं होगा, एक कुर्सी खाली रहेगी वहाँ पर। अगर 1,00,000 लोग आ जाएंगे ना, सब के सब फिर बैठ जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। अगर 1,00,000,000 लोग आ जाए ना, उसमें सब समा जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी कभी भरेगा नहीं। ये सुधर्मा सभा की ये विशेषत्व स्वर्ग में। वहाँ पर जब गए, सुधर्मा सभा लगा हुआ,
है सारे देवादेवी वहां पर, और जितने रंभा उर्वश से मेनका एक से एक सुंदर स्त्रियां, कितना सुंदरी है कहती ये पृथ्वी में जितने स्त्री है उनकी सुंदरता को एक करने पर फिर जा करके स्वर्ग में एक स्त्री को साथ में आप बराबर कर सकते। इतने सुंदर स्त्री स्वर्ग में रहती हैं। जब वहां पर पहुंचे भगवान श्री बामन देव, पर भगवान बामन देव बैठे हुए और उनकी गला में सुंदर पारिजात पुष्पों की माला है और सुंदर सुंदर अमृत पान कर रहे हैं और सारे सारे अप्सरिया देवगनाएं वहाँ नृत्य कीर्तन चल रहा है, हैं वहाँ पर नृत्य कीर्तन चल रहा है, सबके सब श्री भगवान श्री बामन देव की। और वहाँ पर उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्ति देवी हैं, कीर्ति देवी बड़े सुंदर पान की बिड़िया बना बना करके ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं और इंद्र का हजार नेत्र हैं और इंद्र बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की गुण कीर्तन कर रहे थे और इंद्र के आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी और वहाँ पर आनंद ही आनंद। और बामन देव भगवान बारम्बार कह रहे थे कोई चिंता की बात नहीं, देवताओं में तुम लोगों को पक्ष में, इसलिए देवता देते में जब युद्ध होता है भगवान हर समय देवताओं को पक्ष लेते, बोले कोई चिंता मत करो सब समय मैं तुमको रक्षा करने वाला हूँ, इसलिए कोई चिंता नहीं, भगवान सबका आशीर्वाद दे रहे थे। जब नारद जी वहाँ पर पहुँचे, बास पहुँच करके बोले महाराज इंद्र की, अरे जोर से बोलो, बोले महाराज इंद्र की, बोले महाराज आपका जैसे ना भगवान की प्रिय पात्र दुनिया में और आपके जैसे कोई है ही नहीं, हाँ साक्षात भगवान आपके छोटे भाई उपेंद्र हैं, भगवान बामन अवतार में उन्होंने उनके छोटे भाई बन करके अदिति के बेटे बन करके आई, भगवान साक्षात छोटे भाई और हर समय आपका आशीर्वाद दे रहे, कोई चिंता मत करो तुम लोगों को रखने वाला मैं हूँ, भगवान साक्षात जिनका आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए आप सचमुच से स्वर्ग का किया ऐश्वर्य स्वर्ग की, यहाँ पर तो ईंट पत्थर देकर बनाया, वहाँ पर क्या हीरे जवाहरात देकर के, यहाँ जो लाइट जल रहा है ना वहाँ लाइट की जरूरत नहीं, वहाँ पर एक एक मणि रखा हुआ उससे ही अपने आप आलोकित तो वहाँ पर हो रहा है, हैं स्वर्ग कौन जाएगा, बोले हाथ उठा तो कौन जाएगा स्वर्ग, नहीं भक्त लोग स्वर्ग नहीं चाहते हैं, स्वर्ग नहीं चाहते। जब उन्होंने बोले आप भगवान के सबसे प्रिय पात्र आप ही हो, इतने में श्री इंद्र, भक्ति का क्या लक्षण है, हर समय भक्ति जैसे वृक्ष में फल आने पर अपने आप झुक जाती है, जिसके अंदर में जितने भक्ति होगी उसके अंदर में उतना दिनत आएगा, हैं दिनत आएगा। इतने में इंद्र ने कहा आप मेरे को कह रहे हैं मैं भगवान का कृपा पात्र, आप मेरे अवस्था नहीं जानते हो, अंदर की बात नहीं देख जानते हो, वो ऊपर ऊपर से देख रहे हो, हैं हम तो बड़े दुखी हैं, बोले आप क्या दुखी है, स्वर्ग का राजा हो आप, सच्ची आपकी पत्नी सबसे सुंदरी पत्नी और आपका अधीन पर ये जितने सारे इंद्र चंद्र वायु वरुण किसके अधीन में, इंद्र के अधीन में रहते हैं, हैं आप इंसान का आशीर्वाद देते हो बारी बरसाते हो, आप जैसे जगत में कोई बड़े होएंगे क्या, आप सबसे भगवान की बड़े आप कृपा पात्र हो। जो बोले इंद्र बोला आपको पता नहीं, जानते हो कितना बार मैंने सुअर बन गया हैं, मैं कभी सुअर बन गया, बोले एक समय क्या हुआ देवता दैत्य में युद्ध हुई तो देवताओं को विजय प्राप्त हुआ और देवता के राजा इंद्र, ए इंद्र की बड़े स्लोगान हो रहा था, बोले महाराज इंद्र की। इतने में उनके जो गुरुजी बृहस्पति थे उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया, तो दैत्य लोग दुखी हो गए, वो षडयंत्रणा कर रहे थे देवता को फिर कैसे गिराया जाए, इनको कैसे स्वर्ग से भगा दिया जाए, कैसे ये सब आपस में षडयंत्र कर रहे थे। और इनका गुरुजी बृहस्पति और इन्होंने बृहस्पति ने देखा ये दैत्य लोग तो हार गए लेकिन अंदर अंदर में बड़ा क्रोधित है, इनको कैसे दो बार परास्त किया जाए, इसलिए उनको बचाने के लिए बृहस्पति जी आए। जब आए दूर से इंद्र ने देख लिया गुरुजी आ रहे हैं, जब गुरुजी आ रहे हैं देखा गुरुजी आए तो क्या करना पड़ेगा, गुरुजी आने पर ऐसे बैठ नहीं रहनी चाहिए हैं, क्या करनी चाहिए, गुरुजी आते ही खड़े होकर के उनको स्वागत करनी चाहिए गुरुजी को,
बैठ नहीं रहनी चाहिए, उसमें अपराध है। इसलिए लेकिन इंद्र की तत् जय जयकार हो रहा था, हैं, इंद्र के गले में गजरा की माला डाल रहे थे महाराज इंद्र। इंद्र जब देखा गुरुजी दूर से आ रहे हैं, बोले गुरुजी का कोई बुद्धि फुद्धि कुछ है नहीं, अभी मेरी जय जयकार हो रहा है, सिंहासन में बैठा हुआ और इतने जय जयकार, और गुरुजी आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रणाम करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। अभी मेरे गले में जो माला पड़ रही थी, अभी किसको गले में माला पड़ेगी, गुरुजी के गले में। उसने गुरुजी को दूर से देख रहे ना अनदेखा कर दिया, मुंह को उन्होंने मोड़ दिया। जब मुंह मोड़ दिया, गुरु तो सब जानते हैं, बोले कहाँ मेरे तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि ये दैत्य लोग षड्यंत्र ना कर रहे, तुमको कैसे भगाए, तुमको ये बात बता करके तुमको रक्षा करने के लिए मैं आ रहा हूँ, और तुम मेरे को देख करके दूर से अनदेखा कर रहे हो। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो गुरुजी समझ गए, देख कर गुरुजी वहीं से चले गए। हाँ, कहते जब हमारे ऊपर में गुरुजी विमुख हो जाते हैं ना, फिर तो सारे शरीर भ्रष्ट हो जाता है, सारे धन ऐश्वर्य जैसे प्रतिष्ठा से फिर तो गिर जाते हैं। इतने में जब उन्होंने गुरुजी चले गए, शुक्राचार्य साधारण नहीं, सब जानते हैं, शुक्राचार्य बताए दैत्यों को, बोले दैत्यों खड़े हो जाओ, इंद्र ने अपना गुरुजी को अपमान कर दिया है। गुरुजी अपमान करने पर सारे श्री भ्रष्ट हो जाते, चढ़ाव करो उसको ऊपर में, अरे उनको भी चढ़ाव किया तो इंद्र को मार मार करके स्वर्ग से भगा दिया, स्वर्ग राज्य से। और उन लोगों ने इस मरते जगत में आ करके दर 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 भटकते रहे। और एक समय गुरुजी को अपमान किया तो गुरुजी ने अभिशाप दिया, तो उसने सुअर बन गया, इंद्र ने सुअर बन गया था। और कितने दुर्दशा को उसने भोग किया, कभी उसने अहल्या, अब पता होगा अहल्या का सतीत्व नष्ट किया है, हैं, सतीत्व नष्ट किया तो गौतम ने अभिशाप दिया, सारा शरीर में भाग भाग हो गया, इतने दुर्दशा उसने भोग किया। और जिस समय उसने वित्रासुर को वध किया, हैं, वित्रासुर को वध किया, तो वित्रासुर ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या का पाप उसको पीछे पड़ा, और वो दर दर भटकते रहा, कहाँ स्थान मिलेगा, कितने हजार साल तक पानी में कमल नार के अंदर में उसको छुप करके रहना पड़ा, हैं। इसलिए जब उन्होंने इंद्र को ये सब बात बताए, अब सबसे बड़ा बोले हम बड़े हैं, आपको पता नहीं, अगर ये मरते जगत में थोड़ी सी कोई भजन करना शुरू कर देना, पहले मेरा आसन हिलना शुरू हो जाता है मेरा आसन हिलना आरम्भ हो जाता, पहले डर जाता है, क्यों, मेरी राज्य मेरे हाथ से छीन नहीं जाए, राज्य मेरे से छीन नहीं जाए, हर समय मैं डरता हुआ रहता हूँ। बोले आपको पता है और क्या, बोले क्या है, बोले जिस समय, हाँ मैंने कितने अपराध किया, बोले क्या अपराध किया, बोले जिस समय कृष्ण ने, हैं, उन्होंने इंद्र पूजा को बंद करवा दिया, ब्रजवासियों को बोले ये इंद्र पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, अगर पूजा करना तो श्री गिरिराज महाराज की पूजा करो। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, ये गिरिराज ही हमारी ब्रज की साक्षात देवता है। कृष्ण ने मेरी पूजा ही बंद करवा दिया, और जब उन्होंने मेरी पूजा बंद करा दिया, मैंने बिगड़ गया और भगवान को गाली देने लग गया, मूर्ख अज्ञ, हाँ अज्ञानी, कहाँ भगवान को मैंने गाली देना शुरू कर दिया। और भगवान ने क्या किया, मैंने कोशिश की सारे ब्रज को तसनस करने के लिए, और ठाकुर जी ने क्या किया, श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, हैं, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। गिरिराज को उठा करके सारे ब्रजवासियों को उन्होंने अपना छत्र छाया में रख्या की। और बाद में मेरे को कितने नाक रगड़ना पड़ा ठाकुर के चरण में, ठाकुर जी मेरे अपराध को माफ करो, ये सब अपराध मैंने किए है, ये सारे अपराध मेरे द्वारा हुई है। आप कह रहे हो भगवान की मैं कृपा पात्र हूँ, मैं भगवान की कृपा पात्र नहीं, और क्या हुआ आपको पता है, बोले क्या हुआ, बोले एक समय भगवान अपना पटरानियों के साथ में बैठे हुए थे, हैं, बैठे हुए थे, तो इतने में इंद्र स्वर्ग में आए थे, और यहाँ से एक पारिजात फूल लेकर गए, और भगवान को हाथ में पकड़ा पर दिया, ठाकुर जी आप सब रानियों में सबसे जिसको ज़्यादा प्रेम करते हो, ये फूल आप उन्हें दे दो। जब उनको बताए, अभी कृष्ण तो चक्र में पड़े गए, बोले क्यों, बोले जिस रानी को साथ में रहते हैं कृष्ण, उसको कहते हैं तू सबसे ज़्यादा प्यारी मेरी हो, अभी तो सारे भाड़ फूट जाएगा, हैं,
सब तो सारे पता चल जाएगा। इतने में नारद जी बोले, प्रभु मेरे पास में समय नहीं, जल्दी जल्दी ये फूल गोदाम में जाना चाहता हूँ। कृष्ण और चिंता में पड़ गए। कृष्ण उसको पास में था रुक्मिणी, उन्होंने वो फूल रुक्मिणी को पकड़वा दिया और उस वहाँ पर थी सत्यभामा। सत्यभामा देखते ही, सत्यभामा कौन है? ये राधा रानी की अंश से। कहते रुक्मिणी कौन है? कहते चंद्रावली के अंश से और राधा जी के अंश से सत्यभामा। कृष्ण सबसे ज़्यादा सत्यभामा को बोलते थे। बोले सत्यभामा तू जितने मेरी प्यारी है ना, मैं तुमको जितने प्यार करता हूँ दुनिया में और किसी रानी को उतना प्यार नहीं करता हूँ। कृष्ण ज़्यादा बोलते थे और राधा जी के अंश से। जब सत्यभामा ने देखा फूल दे दिया, सत्यभामा सोच रही थी फूल तो मुझे देंगे लेकिन किसको दे दिया? रुक्मिणी को। उन्होंने एकदम तमतमाते हुए प्यार पटकती हुई हैं, प्यार पटकती हुई एकदम घुसा करके चली गई। कहाँ? अपना मान भवन में जा करके बास रोने लग गई और वहाँ पर लौटपोट खाने लग गई। कृष्ण ने देखा नारद जी कहाँ आ गए हैं, बिना कारण के घर में लड़ाई लगा दिए नारद जी। तब तो वहाँ पर गए और सत्य भामा के ऊपर जो हाथ रखे ना, न तो हाथ को फेंक दी। बोले आप ऊपर जैसे काले अंदर कम काले नहीं, उससे ज़्यादा काला अंदर में। बोले क्या हो गया? बोले क्या हो गया? किया आप कहते थे सत्यभामा मैं तेरे को जितने प्यार करती हूँ और किसको इतना प्यार करता ही नहीं, आज तब भरी सभा में पता चलेगा, नाक कान कटवा दिया मेरी आज आपने। कृष्ण ने कहा एक तो फूल दे दिया इसके लिए इतना क्रोध, तेरे लिए तो मैं स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उखाड़ करके ले आऊँगा। बोले ज़्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं दे सका मेरे लिए वृक्ष ले आएंगे। हैं इतना झूठ बोलते रहते हो। बोले चलो बाहर। उनको लेकर के स्वर्ग में गए। इंद्र को उन्होंने बोले मेरी पत्नी को गुस्सा हो गई, एक वृक्ष दे दो। बोले वृक्ष स्वर्ग की महिमा किस लिए? इसलिए स्वर्ग की महिमा यहाँ पर पारिजात वृक्ष है, केवल इसी वजह से। ये कल्प वृक्ष भी उसको कहते हैं, इसलिए स्वर्ग की महिमा। अगर ये स्वर्ग लोग से अगर मरते लोग में चला गया तो स्वर्ग की कोई महिमा ही नहीं रह जाएगी, नहीं हो दे सकते हैं। बोले नहीं दे सकते फिर पराक्रम दिखाऊंगा। बोले क्या दिखाओगे? बस कृष्ण जोर जबरदस्ती गए और पेड़ को उखाड़ लिए। उसी समय में सारे देवता भगवान को साथ में लड़ पड़े, लेकिन भगवान सबको परास्त करते हुए देखते देखते वो पेड़ को उखाड़ करके लाए और सत्यभामा के घर के सामने बो दिया। जो बो दिया ना, सत्यभामा इतने खुश हो गई, फिर उसने सब रानियों को निमंत्रण दिया। बोले मेरे घर में आओ। बोले क्यों? बोले तुम लोग ये सोच रहे हो कृष्ण रुक्मिणी को ज़्यादा प्रेम करते, अरे उसको तो एक फूल दिया, मेरे लिए देखो स्वर्ग से वृक्ष उखाड़ करके ले आए और घर को सामने लगा दिया। इसलिए कृष्ण सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करते हैं? मेरे को कृष्ण प्रेम करते हैं। इसलिए इंद्र यहाँ पर नारद जी को कह रहे हैं, बोले नारद बाबा आपको पता नहीं भगवान को साथ में मैंने लड़ाई कर दिया एक वृक्ष के लिए, और भगवान ने क्या किया मेरे सारे अभिमान को तोड़ करके और यहाँ से जो स्वर्ग का जो इतना महत्व है, स्वर्ग का सारे महत्व को उन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ से वृक्ष लेकर के अपना मर्त्य जगत में वहाँ पर लगा दिया। फिर स्वर्ग का जो महिमा दूसरा जो है वहाँ पर जो सुधर्मा सभा, भगवान स्वयं ये सुधर्मा सभा द्वारका में स्थापन किया। द्वारका कहाँ पर? मर्त्य जगत में। मर्त्य जगत में द्वारका है, भगवान सुधर्मा सभा भी बनाए और पारिजात वृक्ष जो दो चीज गली जो स्वर्ग की महिमा, भगवान इंद्र का सारे घमंड को दूर कर दिया। दूर करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो चीज को अपना मर्त्य जगत में स्थापन करके स्वर्ग से भी ज़्यादा महिमा ये मर्त्य जगत को भगवान ने मर्त्य जगत को बना दिया। इसलिए हैं फिर खांडव वन, ये इंद्र का सबसे प्रिय वन था खांडव वन, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? आग लगा दी। आग लगा करके पूरा जितने हैं जितने सब जीव जंतु थे सबको उन्होंने मार मार कर उसमें खांडव वन को उन्होंने दहन कर दिया खांडव वन को। क्योंकि अग्नि की यज्ञ करते करते बहुत दिन तक ऋषि मुनियों ने अग्नि में यज्ञ दिया, यज्ञ में घी डालते हैं और घी अगर ज़्यादा पी लो तो क्या होगा बोलो? तो फिर क्या होगा? ज़्यादा अगर घी पेट पतला हो जाएगा। अगर किसी डॉक्टर के पास में जाओगे तो क्या बोले? बोले वह हरी सब्जी खाया करो। बोले हरी सब्जी
हरी सब्जी खाओ, अभी घी पी छोड़ो, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए अग्नि अग्नि को बोले, बहुत दिन तुमने घी पिए हो, अगर पेड़ पौधा हरी हरी थोड़ा खा लोगे ना पेड़ पौधा को, तुम्हारे पेट सही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खांडव वन में जब आग लगती थी, वो था अत्यंत प्रिय वन इंद्र का। इंद्र क्या करता था, पूरा ऐसे बारिश ही ऐसे करता था, पूरा आग लगते ही पूरा बुझा देती थी। तब उसने अर्जुन का शरणापन्न हुआ, अर्जुन का शरण लिया। अर्जुन का शरण लिया तो बोले, कोई चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। जब आग लगी, जो बारिश हुई ना, अर्जुन ऐसे अग्नेय अस्त्र को उन्होंने मारे, आकाश आकाश में पानी को उन्होंने सुखा दिया। वो पानी को नीचे गिरने ही नहीं दिया, आकाश आकाश में सारी पानी सूख गई। इसलिए पूरा खांडव वन को है भगवान कृष्ण और अर्जुन पूरा जला करके राख बना दिया खांडव वन। और इंद्र का सबसे प्रिय वन ये खांडव वन था, इसलिए अग्निदेव खुश हो गए। बोले, अर्जुन तेरे लिए मेरे पेट में जो अजीर्ण हो गया था ना घी पी पी करके, अभी हरी हरी पेड़ पौधा खा लिया और जितने जानवर फानवर था सबको मैंने खा लिया, इसलिए मेरा पेट सही हो गया, तब मैं भर दूंगा। इसलिए उन्होंने जो गांडी भी किसने दिया है, ये अग्निदेव ने इनको ये गांडी अस्त्र उनको दिया है, अक्षय तृणी उनको प्रदान किया। बोले, जाओ ये तृण से कभी बाण तुम्हारी समाप्त नहीं होगी, और ये गांडी भी जब तक तुम्हारी हाथ में रहेगा ना, तेरे को कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंद्र कह रहे हैं, कहते मेरे जितने सब अभिमान भगवान ने, सब के सब भगवान ने मेरी दूर कर दिया है। इसलिए हमारी जो अमरावती, स्वर्ग को अमरावती कहती, अमरावती को भगवान ने श्रीहीन कर दिया, ये अमरावती को, इसलिए मैं भगवान का प्रिय नहीं हूँ। बोले, कौन है? हाँ, अगर प्रिय है ना तेरे पिताजी, नारद जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। अगर कोई भगवान की कोई अत्यंत प्रिय है, श्री पितामह ब्रह्मा जी सबसे प्रिय है, इसलिए तुम ब्रह्मलोक में चले जाओ। इनका नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? स्वयंभू मतलब क्या है? जिनका जन्म नहीं, जिनका कोई पिता माता नहीं, ये भगवान के नाभि कमल से, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से भगवान प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम है स्वयंभू। और ये कौन है? ये स्वयं जम महाराज जमदूत कह रहे हैं। बोले, ये धर्म तत्व के बारे में कौन जानता है? धर्म तत्व के बारे में, धर्म तत्व के बारे में जम कह रहे हैं। केवल हम 12 व्यक्ति है जो धर्म तत्व के बारे में जानते हैं। बोले, कौन है? बोले, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास की भय। कहते केवल हम 12 व्यक्ति है जो ये धर्म तत्व को हम अच्छे तरह से, ये धर्म तत्व को विवेचना रूप में हम जानते हैं। पहला नंबर स्वयंभू, स्वयं पितामह ब्रह्मा, जो हमारी आदि गुरु, हमारे संप्रदाय का आदि गुरु कौन है? पितामह ब्रह्मा। क्योंकि भगवान सर्वप्रथम ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम स रहस्यंच तदगंच गृहणम गदितमय। भगवान ब्रह्मा को ये सारे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अब ब्रह्मा किसको दिया? नारद जी को। नारद किसको दिया? बोलो, व्यासदेव को। व्यासदेव किसको दिया? बोले, व्यासदेव किसको दिया? मध्वाचार्य को दिया है। पर मध्वाचार्य लक्ष्मीपति, ऐसे ही हमारी जो मूल गुरु है ना, ये पितामह ब्रह्मा है, इनसे ही हमें सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए इनकी चतुर्मुख है ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ये जगत को उन्होंने सृष्टि करने वाले कौन है? पितामह ब्रह्मा। तुम लोग कल ना एक एक कापी नोट लेकर आना, ठीक है? अगर कापी अगर पेन लेकर के आओगे ना, थोड़ी 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 लिख लोगे, थोड़ी थोड़ी लिख दोगे, फिर दूसरे दिन बताऊंगा, फिर तो बोल लोगे, फिर तुम लोग अपने आप हरिकथा सीख जाओगे, सबके सब अपने आप हरिकथा सीख जाओगे, ठीक है ना? इसलिए कापी पेन तुम बच्चे लोग कापी पेन लेकर के आना, सबको थोड़ी थोड़ी हिंट हिंट देकर लिखना, ठीक है? फिर तो तुम तो हरिकथा अपने आप सीख जाओगे, और रोज रोज थोड़ा थोड़ा बोलोगे, बस अपने आप सीख जाओगे, और क्या, पंडित बन जाओगे। इसलिए कहते हैं, अगर आप देखना चाहते हो कहाँ पर जाओ, तुम अपना पिताजी के पास में चले जाओ। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक कहाँ पर हैं? कहते भूर भुव मोह जन तप सत्य, ये जो 7 लोक का जो सर्वोत्तम उच्चाई लोक है, ब्रह्मलोक से ऊपर और कुछ, ये ब्रह्मांड का अंतर में
ब्रह्मांड में सबसे जो ऊंचाई लोक है ये ब्रह्म लोक है, जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी की निवास है, ब्रह्मा जी रहते हैं। और ब्रह्मा कौन बनता है? जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर कोई इंद्र बनता है, अगर उसको ऊपर ऐसे अगर 100 इंद्र का कोई अगर पुण्य करे तो जाकर कोई ये ब्रह्मा पद कोई प्राप्त कर सकते हैं। बोले स्वनिष्ठ सद्धर्म पुमान ब्रह्मा, कहते ब्रह्मा कौन बनेगा? बोले स्वधर्म निष्ठ सत जन्म विपुमान, मतलब हम जिस कुल में जैसे जन्म हुए हो, कोई ब्राह्मण घर में, कोई वैश्य घर में, कोई हैं कोई अपना क्षत्रिय वंश में जो जन्म हुए, कद हमारा जो धर्म है हैं, अगर 100 जन्म तक अगर ठीक ठीक रूप में कोई अगर करेगा तो वही पितामह ब्रह्मा बन सकते हैं। ब्रह्मा सब नहीं बन सकते, और बड़ा कठिन काम है, हम लगता है ऐसे बड़ा ब्रह्मा, अगर ऐसे कोई जीव मिले तो ब्रह्मा बन जाते हैं, अगर कोई ऐसे जीव नहीं मिले तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का काम करते हैं, ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा की काम करते हैं। अगर तुम देखना चाहते हो चले जाओ, कहाँ पर चले जाओ? ब्रह्म लोक में चले जाओ। अब इसलिए नारद जी ब्रह्म लोक में जाएंगे, चिराग आज क्या बोलोगे आ जाओ, इसलिए फिर वो ब्रह्म लोक में जाएंगे, फिर ब्रह्म लोक में क्या देखते हैं ब्रह्म लोक में, फिर इस चीज़ को हम कल सुनेंगे, ठीक है। ललिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म पूज्य पाद परम रसिक श्रीपाद श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्री पाशी नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात करता हूँ। श्रीमद महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णवजन वैष्णविया आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि कुछ भगवत चर्चा इस दास के भी मुख से हो, तो जो इन्होंने मुझको पढ़ाया है वही मैं आपके सामने बताऊं। हम लोग यहाँ पे किस लिए हैं, हम लोग की उपस्थिति, हम यहाँ पे बैठे हैं किस लिए? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये तो कन्फर्म है कि हम यहाँ पे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही आए। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं कल को जिम जाऊं, तो जिम जाऊं, एक्सरसाइज करूं वहां पे, तो थोड़े दिन बाद मैं क्या देखूंगा कि यार मैं पतला हो रहा हूं कि नहीं हो रहा? क्योंकि अगर मेरे को ये लगा हाँ मैं पतला हो रहा हूं तो जिम जाने का फायदा है, और अगर नहीं तो फिर क्यों फालतू में पैसे दे। ऐसे ही अब हम भक्ति कर रहे हैं तो किस लिए? कि हमारी भक्ति का महाराज वर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, वर्धन होता रहे भक्ति का। अच्छा, भक्ति बढ़ रही है कि नहीं कैसे प्रतीत हो, इसको इसका इंडिकेशन कैसे मिले हमें, ये कैसे पता चले? श्रीपाद रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् असंगत्यागात् सतो वृत्ति षड्विर भक्ति प्रसिद्धि। उपदेशामृत का श्लोक है। सबसे पहले है उत्साह, उत्साह। जैसे ही श्री भगवान का दिव्य पर्दा खुले, चाहे मंगला में खुले, चाहे मध्यान्ह की आरती में खुले, चाहे महाराज संध्या आरती में खुले, मन में ऐसी दिव्य आवेदना प्रस्तुत हो कि अब श्री गोविंद का पर्दा खुल रहा है तो श्री गोविंद का कैसा दिव्य श्रृंगार होगा, कैसे श्री गोविंद लगेंगे। एक तो उत्साहित होना, मन में उत्साह हो, जैसे गोविंद देव जी के, महाराज गोविंद देव जी में जब हम मंगला के लिए जाते थे तो जैसे श्री भगवान के पट खुलते थे देखते थे एक बहुत छोटा बच्चा भी, उसके मन में ऐसा उत्साह होता है, होता था,
अभी होता महाराज की भगवान श्री भगवान का पट खुलेगा तो श्री भगवान का पट खुलते ऐसे आनंद से वो उछलता महाराज, वो दर्शन करके मन आह्लादित हो जाता। इसको कहते हैं उत्साह। जब तक उत्साह नहीं होगा पता नहीं चलेगा भक्ति बढ़ रही है कि नहीं। यूं नहीं सूखे मुंह से आ गए और महाराज खड़े हो गए और पर्दा खुल रहे हैं जी, पर्दा बंद हो रहा है, जो ठाकुर जी आकर के महाराज तुम्हारे हाथ में लड्डू दे दे तो भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, तो फिर ये महाराज क्या हुआ, ये भक्ति का वर्धन कहां से हुआ। उत्साह, उत्साह। देखो श्री भगवान यदि मिलेंगे तो भक्ति से ही मिलेंगे। राम जी प्रकट हुए हैं भक्ति से प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण प्रकट हुए भक्ति से प्रकट हुए हैं। जब यज्ञ कर रहे थे दशरथ जी तो राम जी कैसे प्रकट हुए, भक्ति से। प्रमाण है भक्ति सहित आहुति दीनी प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, भक्ति के सहित मुनि ने आहुति दीनी, तब जाकर के अग्नि चरु के रूप में साक्षात रघुपुंगव को लेकर के आए। भक्ति केवल और केवल भक्ति, इसलिए उत्साह। केवल उत्साह हो जाए भगवान के अब दर्शन खुलेंगे श्री, हम वहां जा रहे वृंदावन, उत्साह के श्रवण जी का दर्शन होगा, श्री बांके बिहारी का दर्शन होगा, इसको कहते हैं उत्साह। दूसरा निश्चयात्, निश्चयात मतलब ये निश्चय कर लिया कि हाँ श्री भगवान के नाम को क्या सतत जप करना है। यह निश्चय हो जाए, हाँ निश्चित हो गए हम लोग, निश्चय कर ले हाँ श्री महाराज जी आए हैं, श्री महाराज जी के मुख से हरि कथा सुन ली, यह निश्चय बोध हो जाए तब जाकर के लगेगा कि हाँ भक्ति हो रही है। निश्चय आ गया, यह निश्चय बोध हो गए। शबरी को निश्चय था, गुरुदेव पे अतीत प्रीति विश्वास था, हाँ निश्चय ही राम जी आवेंगे, निश्चय राम जी आएंगे ही आएंगे, इस कारण से निश्चय। तीसरा तत्त्व कर्म प्रवर्तनात्, वो कर्म जो श्री भगवान को अतिशय प्रिय है, वो कर्म कौन से कर्म, भगवान की आरती में, भगवान की आरती के दर्शन करना, भगवान का संकीर्तन में दिव्य आलोडन प्रलोडन से इत्यादि समस्त सूत्रों से महाराज उत्साह से श्री भगवान के कीर्तन में सम्मिलित होना, भगवान की हरि कथा कहना, भगवान की हरि कथा सुनना। जीवन में यदि श्री हरि कथा अपना ली तो सब कुछ अपना लिया और ब्याह कर ले महाराज। बताओ ये प्रपंच हो रहे हैं आप इसलिए, और घर से महाराज कौन आ जाओ, चिंता का विषय अतिशय। इस कारण से निश्चया धैर्य, धैर्य होना चाहिए। यूं नहीं चार माला करी और महाराज लिया और ठाकुर जी तो आए नहीं, मन नहीं लगा भजन में, ये है वो है, ये सब नहीं, धैर्य। शबरी जी को धैर्य था महाराज, धैर्य के साथ शबरी जी लगी रही अपने गुरुदेव के गुरु मुख पद्म वाक्य चिंते ने करी आए महाराज, गुरुदेव के महर्षि मदन के दिव्य महाराज महर्षि मदंत के वचनों पर विश्वास करके और धैर्य के साथ लगी रही शबरी जी भगवान के दिव्य सेवा में। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम जी मेरे घर कब आवेंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ, राम जी मेरे घर कब आवेंगे, मैं चाक चाक फल लाई कब आवेंगे रघुराई, मैं चाक चाक फल लाई कब आवेंगे रघुराई, मेरी बैठ कुटी के बीच राम जी कब भोग लगावेंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, राम जी मेरे घर कब आवेंगे। धैर्य के साथ प्रतीक्षा, जहां महाराज सबसे पहले गुरुदेव के पास प्रतीक्षा होती है, उसके बाद दिव्य तितिक्षा होती है, रसिकों के द्वार पर भिक्षा होती है, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो दिव्य परीक्षा होती है। इस कारण से महाराज उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान वो कर्म जो श्री भगवान को प्रिय लगे, गले में तुलसी की कंठी आप बोले, नित्य प्रति तिलक, तिलक भगवान को इतना
कोई वैष्णव यदि भगवान के सामने तिलक निकाल करके जाता है तो श्री भगवान आह्लादित होते हैं, आह्लादित परम वैकुंठ। यहाँ वैकुंठ शब्द जो है भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि भगवान का नाम वैकुंठ भी है और भगवान के नाम भगवान के धाम का नाम भी वैकुंठ है, इसलिए वैकुंठ प्रिय दर्शना, भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है। आह्लाद प्रिय वैकुंठ यत्र तिलक स्थापितौ स साक्षात् भगवानैव कृपया तत्क्षण भाजाम भविष्यति। भगवान के जब व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाकर श्री भगवान के दिव्य विग्रह के साथ में जाता है तो श्री भगवान इतना अतिशय प्रसन्न होते हैं कि कृपा के कुंजों को खोल करके उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। महाराज तब तत् कर्म प्रवर्तनात्, महाराज भगवान के दिव्य संकीर्तन में अपनी प्रेजेंस देना, भगवान के संकीर्तन को करना और सुनना, भगवान की कथा कहना और दिव्य चरित्रों का पान करना, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् असंग त्यागात्। वो व्यक्ति जो आप देखो, सब कोई कहे कि हम लोग मंदिर में आ रहे हैं या कोई व्यक्ति भक्ति में है, तो महाराज उसके लिए नींव क्या है उस भक्ति, उस भक्ति उस व्यक्ति के लिए उस भक्ति की नींव है विश्वास, आस्था। यदि कोई व्यक्ति हमारी आस्था को हमारे विश्वास को डगमगावे ना तो महाराज बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देना, उसका संग नहीं करना, असंग त्यागात्। वो असंग उसके उसका कभी भी साथ नहीं देना। सत्संग की महिमा संस्कृत में लिखी है, संताह संगति सत्संगति कथ्यते, संतों की संगति ही सत्संगति है। वो व्यक्ति जो ठाकुर जी से धाम से लीला से रूप से नाम से अलग करावे उसका इस उसका महाराज मलवत परित्याग कर देना ही असंगत त्यागात है, उसी का उसका त्याग कर देना ही असंगत त्यागात है। क्योंकि हमारी जो आस्था है ना महाराज शुरू के समय में इतनी मतलब इतनी कमजोर होती है कि गलती से यदि किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क कर लिया तो महाराज वो ठाकुर जी से बहुत दूर लेके चला जाता है, फिर गुरुदेव के वाक्य इत्यादि महाराज दिमाग में स्फुरित नहीं होते। इसके कारण जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके श्री रघुवीर जी और श्री जानकी जी श्री राधा गोविंद प्रिय नहीं है उसका परित्याग कर दो। इस कारण से महाराज परित्याग कर दिया कर देना चाहिए, असंग त्यागात् सतो वृत्ति। मन में ऐसी दिव्य वृत्ति हो, सतो वृत्ति, सतो वृत्ति मतलब प्रसाद को देख करके प्रसाद बुद्धि। श्री भगवान का दिव्य अधरामृत है महाराज, संत गाते हैं वृंदावन में रामानंदी परंपरा में जब हम लोग जाते हैं तो जैसे हमारे यहाँ परंपरा में गाते महाप्रसादे गोविंदे गाते हैं ना हम लोग, वैसे ही हम लोग कहते हैं गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे सिया हरि नारायण गोविंद भजो राम कृष्ण गोविंद। बोलो संतो हरी हरी मुख पर मुरली अधर धरी सिया हरि नारायण गोविंद भज राम कृष्ण गोविंद। भगवान के प्रसाद को देखकर के ठाकुर जी का अधरामृत है ऐसी सतो वृत्ति, ऐसी वृत्ति। इन सब ये छह लक्षण जो है यह प्रतीति कराएंगे महाराज की हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। समय अतिकाल हो रहा है, इन सभी शब्दों के साथ गुरुदेव को प्रणाम करता हुआ आप सभी को प्रणाम करता हुआ हमारी को विराम वाचा करते हुए शुभ कार्य से पविता नाम का मैं फिर वैष्णव संजीव प्रभु जी हमारे छोटे गोरिल्ला हरे कृष्णा। देखो और जितने आपका आसपास में जो हमारे भक्त लोग हैं सबको बुला कर क्या देखो जो सत्संग है उसमें जो छह लक्षण बताया भक्ति बढ़ेगी कैसे है
भक्ति बड़ी कैसे, तो महापुरुष कहते जैसे हमने एक पौधा लगाया, अगर उसमें पानी नहीं देंगे तो कब तक वो पौधा जिंदा रहे, कुछ दिन बाद में वो पौधा खत्म हो जाएगी, इसलिए उसमें पानी की आप बोलिए साधु संग, ये साधु संग ही पानी, जिसको भगवान कथा में जिसको जितना रुचि है ना उसका भक्ति उतना ही बढ़ती है, अगर कथा में रुचि नहीं मतलब उसकी धीरे धीरे से घट जाएगी, गले से कटनी उतर जाएगा, तिलक उतर जाएगा, भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं रह जाएगी। इसलिए आप लोग जैसे यहाँ आते हो कटनी माला तिलक आप लगाते हैं, और जो नहीं आते उनको जाकर के गले से कटनी उतर गया, तिलक नहीं होता हो, क्योंकि वो उत्साह कहाँ से मिलेगा, साधु संग से ही ये उत्साह मिलता है। इसलिए आप लोगों के पास में जो अड़ोसी पड़ोस में भक्त हैं सबको साथ में लेकर के आते, बोले गुरु जी बोल रहे थे, गुरु जी वृंदावन से आए कथा सुना रहे हैं यहाँ से, और तुम लोग घर में हो, देखो हमारे जो जैन भाई लोग हैं जितना जैन मंदिर देखो आस पास में कितने सब घर है, रोज मंदिर में जाते हैं, देखता हूँ सब जाते हैं, सब जाकर के अपना जो ठाकुर को पूजा करते हैं, हम तो हिंदू हैं, इसलिए कम से कम दिन में एक बार तो आओ, अच्छा गुरु जी आए कथा सुना रहे हैं फिर तो आनी चाहिए ना, कथा में आनी ही चाहिए, तो भक्ति कहाँ से बढ़ेगी, इसलिए सबको बुला करके लेकर गया। और इसको बाद में पाँच छः दिन बाद में फिर कार्तिक महीना आ रहे, कार्तिक महीना की तो इतने महिमा वो कार्तिक महीना के अधिष्ठाते देवी स्वयं श्रीमति राधा रानी है, उसी महीना की तो इतने महिमा थी, दान देने का, कथा सुनने का बहुत महिमा, परिक्रमा लगाने का बड़ी महिमा है ये कार्तिक महीना। इसलिए हम भी पहले कार्तिक महीना में कुछ दिन मैं बिहार रुक जाऊँगा, तो उधर परिक्रमा शुरू करके जाऊँगा और आप लोगों को लेकर ही चले, ठीक है। दस दिन के लिए तो एक नहीं जा पाएगा, मैं गरीब गृहस्थी, जो जाना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जा पाएंगे एक दिन कम से कम एक दिन के लिए जाएंगे, जो नंदगांव दर्शन है गोवर्धन दर्शन करके फिर आ जाएंगे, अगर एक दिन रुकना तो एक दिन रुक जाना वहाँ पर रुक करके, फिर दूसरे दिन एक दिन दो दिन दर्शन करके फिर आ जाएंगे, ठीक है। भाई भजन सुनेगा, मेरा भजन कोई नहीं सुना, हाँ बोलो बोलो, तेरी बंसी पे जाऊं परिहार रसिया, मैं तो नाचूं प्यारी नथनिया,
पायल के गोदी जनकार रसिया जय श्री श्री गुरु वरंगंधर विगा गिरधर राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मंजू विजय
नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। तुलसी गिरिराज महाराज की। सर्व विघ्न विनाशन कर नृसिंह देव की। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की। बोले बड़ोतवासी भक्त वृंद की। बोले गौ माता की। सनातन धर्म की। गीताई गौर प्रेमानंदे हरे।